प्रभात प्रिय विद्यार्थियों एवं अभिभावकों, आपका बाल साधना शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं मनीराम खिचड़ आज आपको नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ, प्रायिकता। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता किसी भी घटना से संबंधित पूर्व सूचनाओं एवं परिस्थिति के आधार पर परिणामों की संभावनाओं का पता करने के सिद्धांत को प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता किसे कहते हैं विद्यार्थियों? किसी भी घटना से संबंधित पूर्व सूचनाओं व परिस्थिति के आधार पर परिणामों की संभावनाओं का पता करने के सिद्धांत को प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता के सिद्धांत की उत्पत्ति 17वीं शताब्दी में यूरोप में हुई। प्रायिकता की उत्पत्ति कहां हुई? 17वीं शताब्दी में यूरोप में हुई। प्रायिकता की सिद्धांत की उत्पत्ति 17वीं शताब्दी में यूरोप में हुई। पहला है घटना घटने की प्रायिकता। प्रायिकता पीई पी से लिखते हैं। पीई बराबर अनुकूल परिणाम बटा सभी संभव परिणाम। घटना घटने की प्रायिकता पीई बराबर अनुकूल परिणाम बटा सभी संभव परिणाम। दूसरा है घटना न घटने की प्रायिकता पीई। किसी घटना के न घटने की प्रायिकता पीई का बार बराबर पीई के बार से प्रदर्शित करते हैं और एक में से घटना घटने की प्रायिकता को घटाते हैं। घटना घटने की और घटना न घटने की दोनों का योग कितना होता है विद्यार्थियों? एक होता है। पीई घटना घटने की प्रायिकता है, पीई का बार घटना न घटने की प्रायिकता है। इन दोनों का योग कितना होता है? घटना घटने की और घटना न घटने की प्रायिकताओं का योग एक होता है। अब आगे है, एक सिक्के को उछालने पर दो घटनाएं होती हैं। जब किसी भी सिक्के को अपन उछालते हैं विद्यार्थियों तो दो घटना होती है, या तो चित हेड या टेल पट। सिक्के को उछाला जाता है तो दो घटनाएं बनती है, या तो चित होता या पट होगा। इसी प्रकार से पासे में कुल अंक होते हैं छह। पासे में कितने अंक होते हैं? एक दो तीन चार पांच छह। कुल अंक पासे में छह होते हैं। पासा एक तरह के घन के आकार का होता है विद्यार्थियों, और घन में भी छह फलक होते हैं। घन आपने पढ़ा है, उसमें कितने फलक होते हैं? छह फलक होते हैं। पासे में कुल अंक होते हैं एक दो तीन चार पांच छह बराबर छह। पासे में समंक कौन से? इसमें देखो, जिसमें दो का पूरा पूरा भाग जाता है वो होते हैं समंक। तो दो चार छह, पासे में समंक कितने? दो चार और छह। तो पासे में कुल अंक सम कितने होते हैं? तीन होते हैं। पासे में विषम अंक, विषम जिसमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता वो विषम होता है, एक तीन पांच। पासे में विषम अंक कितने हैं? एक तीन पांच। कुल अंक कितने हो गए पासे में विषम? तीन। पासे में अभाज्य संख्या, विद्यार्थियों हमेशा याद रखो कि एक है वो न तो भाज्य होती है और न अभाज्य में मानी जाती है। एक को न तो भाज्य माना जाता है और न अभाज्य माना जाता है। पासे में अभाज्य संख्या होती है दो तीन पांच। अभाज्य संख्या कौन सी है? दो तीन और पांच, ये तीन संख्याएं हैं अभाज्य संख्या। इसके आगे है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है एक। किसी घटना के घटने की प्रायिकता निश्चित होती है, उसका मान एक होता है। कोई भी घटना है
उसके घटने की घटना निश्चित होती है तो उसका मान होता है एक, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता होती है शून्य। अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? शून्य होती है। जो घटना घटित होना निश्चित है, वह घटना जिसका घटित होना निश्चित है वह निश्चित घटना कहलाती है, और निश्चित घटना का मान एक होता है। जबकि जो घटना निश्चित नहीं होती, उसका घटना निश्चित नहीं होता, उसकी प्रायिकता शून्य होती है, उसका मान शून्य होता है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग एक होता है। विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, जो बोर्ड में एक नंबर का प्रश्न आया था सेक्शन एक के अंदर, कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? तो आपको लिखना होता होगा एक। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? एक होता है। अब आगे है ताश। ताश की गड्डी में कुल पत्ते होते हैं 52। ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं विद्यार्थियों? 52 होते हैं, जिन्हें चार समूह में विभाजित किया गया है। ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं, जिन्हें चार समूह में विभाजित किया गया है। हुकम, पान, ईंट, चीड़ी। हुकम, पान, ईंट, चीड़ी। विद्यार्थियों, 52 के चार समूह में विभाजित करते हैं, चार समान भाग करते हैं, तो 13-13 पत्ते आते हैं। हुकम के पत्ते 13, पान के पत्ते भी 13, ईंट के पत्ते भी 13, चीड़ी के पत्ते भी 13। अब काले रंग के पत्ते, हुकम व चीड़ी काले रंग के होते हैं, इनके 13-13 पत्ते, तो कुल पत्ते हो गए 26। ताश की जोड़ी में कुल 52 पत्ते होते हैं, उसमें से 26 पत्ते काले रंग के होते हैं और 26 पत्ते लाल रंग के होते हैं। 26 काले रंग के पत्ते होते हैं हुकम व चीड़ी, 13-13-26। लाल रंग के पत्ते पान व ईंट। लाल रंग के पत्ते कौन से होते हैं? पान व ईंट। तो पान के भी 13 पत्ते और ईंट के भी 13 पत्ते, तो 13+13=26। बादशाह, बेगम, गुलाम, ये फेस कार्ड तस्वीर वाले पत्ते कहलाते हैं। बादशाह, बेगम, गुलाम, फेस कार्ड तस्वीर वाले पत्ते, इक्का एक होता है। ये तो है प्रायिकता से संबंधित जानकारी। अब है पहला प्रश्न, प्रश्नावली 18.1, कि एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर चार से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे में अंक होते हैं विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया कि पासा एक घन के आकार का होता है और घन में 6 फलक होते हैं, तो इसी प्रकार से पासे में भी 6 अंक होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पासे में अंक कितने होते हैं? 6। कुल अंक बराबर 6। चार से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तो चार से बड़े अंक कौन से हैं? 5 और 6। कितने अंक हुए विद्यार्थियों? 2। 5 और 6 कितने हैं? 2 हैं। तो प्रायिकता का सूत्र लिखोगे, प्रायिकता बराबर, प्रायिकता पीई बराबर अनुकूल परिणाम बटा सभी संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम 2, सभी संभव परिणाम 6, तो यह होगा 1/3। 2 एकम 2 और 2 दिए 6। तो प्रायिकता पीई बराबर अनुकूल परिणाम बटा सभी संभव परिणाम 1/3। इसके आगे है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। सिक्के को कितनी बार उछाला जा रहा है? 2 बार। दोनों बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो विद्यार्थियों निम्न स्थितियां संभव हैं, या तो HH, HT, TH या TT।
एक सिक्के को आप जब विद्यार्थियों दो बार उछालते हैं, एक सिक्के को जब आप दो बार उछालते हैं तो दोनों बार एच एच, एच टी, डी एच या टी टी, तो कुल संभव परिणाम कितने हो गए? चार हो गए। दोनों बार चित, कितनी बार चित? दोनों बार टी टी एक है, अनुकूल परिणाम कितना हुआ? एक हुआ। दोनों बार चित तो दोनों बार चित का एक ही परिणाम है टी टी, तो अनुकूल परिणाम एक, तो प्रायिकता पीई बराबर अनुकूल परिणाम बटा सभी संभव परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा सभी संभव परिणाम। तो विद्यार्थियों अनुकूल परिणाम तो कितना आया? एक, और सभी संभव परिणाम कितने आए? चार। इस प्रकार दोनों बार चिताने की प्रायिकता कितनी आई? एक बट्टा चार। विद्यार्थियों नोट्स की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब प्रश्न नंबर 3 है, 1 से 17 तक की प्राकर संख्याएं। प्राकर संख्याएं वो होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं। 1 से 17 तक की प्राकर संख्याओं में से एक संख्या का चयन किया जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए वह एक अभाज्य संख्या हो। 1 से 17 तक की प्राकर संख्या निम्न है। प्राकर संख्या वो होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं और अनंत तक चलती हैं। 1 से 17 तक की प्राकर संख्या निम्न है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो कुल अंक कितने हो गए? 17। कुल अंक 17। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या विद्यार्थियों वो होती है जिसमें या तो खुद का भाग जाता है या एक का भाग जाता है, इसके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता, वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। मैंने अभी आपको बताया था कि एक न तो भाज्य होती है और न भाज्य होती है, इसलिए 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 11, 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 17। अभाज्य संख्या विद्यार्थियों 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, कुल संख्या कितनी है? 7। अतः प्रायिकता पीई बराबर अनुकूल परिणाम बटे सभी संभव परिणाम, तो अनुकूल परिणाम कितने हुए विद्यार्थियों? 7। अभाज्य संख्या कितनी है? 17। कुल संख्या कितनी? 17, और अभाज्य संख्या कितनी है 17 में से? 7। तो प्रायिकता पीई बराबर 7/17। अब अगला प्रश्न है, एक सिक्के को लगातार 3 उछालों में एकांतरित चित या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब की बार क्या कहता है विद्यार्थियों कि एक सिक्के को लगातार 3 बार उछाला जाता है, कितनी बार उछाला जाता है? 3 बार। एक सिक्के को लगातार 3 बार उछालने पर निम्न स्थितियां संभव हैं। 3 बार में एच एच, एच एच एच, एच एच टी या एच टी एच या एच टी टी या टी 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 या टी एच टी या टी टी एच या टी एच एच। इस प्रकार कुल परिणाम संभव परिणामों की संख्या हुई 8 विद्यार्थियों कि पहले 3 एच लिए, फिर 2 एच लिए, 1 टी लिया, फिर 2 एच बीच में टी लिया, फिर एच और 2 टी लिए, फिर 3 टी, फिर 2 टी और बीच में एच, फिर 2 टी और 1 एच, फिर एच 1 और 2 टी, 1 और एच 2, कुल संभव परिणामों की संख्या आई 8। चित या पटाने के अनुकूल परिणाम, चित या पट तीनों ही परिणाम देखो, चित या पट तो टी 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 एक, एच एच टी, दो परिणाम ऐसे हैं जो अनुकूल परिणाम हैं जिनमें दोनों ही तीनों ही चिताए या तीनों ही पटाए, तीनों ही चिताते हैं तो भी एच एच, तीनों पटाते हैं तो एच 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 या टी टी टी,
तीनों परिणाम समान आने वाले अनुकूल परिणामों की संख्या है दो। प्रायिकता पीई बराबर अनुकूल परिणाम बटा सभी संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने आए? दो। सभी संभव परिणाम आए? आठ। दो एकम दो और चार दुनी आठ, तो प्रायिकता आई एक बट्टा चार। प्रायिकता कितनी आई? एक बट्टा चार। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि एक अलीप वर्ष में, एक अलीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों दो वर्ष होते हैं, एक तो लीप वर्ष और एक अलीप वर्ष। जो लीप वर्ष होता है वो चार साल से आता है जिसमें 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष वो होता है जो चार साल से आता है जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है, वो वर्ष लीप वर्ष होता है और उसमें फरवरी 29 दिन की आती है और वर्ष में 366 दिन होते हैं। और अलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं। अलीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। 365 दिन में 52 सप्ताह और 52 सप्ताह में 52 रविवार होंगे। 365 दिन है उनमें 52 सप्ताह हो गई, 52 सप्ताह में 52 रविवार हो गई। अब एक दिन बचता है, कितना दिन बचता है? एक। एक दिन बचता है, वह दिन निम्न में से एक हो सकता है। एक दिन बचा 52 सप्ताह और 52 रविवार, अब एक दिन बचा वो निम्न में से हो सकता है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। इस प्रकार से कुल संभव परिणाम कितने हो गए? 7 हो गए कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, कुल कितने हो गए संभव परिणाम? 7। रविवार न आने के संभव परिणाम, रविवार को छोड़ के शेष कितने परिणाम हो गए? 6। रविवार न आने के, रविवार न आने के संभव परिणाम 6। तो प्रायिकता पीई बराबर अनुकूल परिणाम बटा सभी संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा सभी संभव परिणाम, तो प्रायिकता पीई बराबर अनुकूल परिणाम तो आ गए 6 और सभी संभव परिणाम आ गए 7। तो प्रायिकता 52 रविवार आने की प्रायिकता क्या हो गई? 6/7 हो गई। विद्यार्थियों प्रायिकता के अध्याय में आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आपके लिए इतना ही पर्याप्त है क्योंकि आप पास प्रायिकता पासे तासुं की गड्डे में पत्तों की संख्या, इनका ज्ञान और इनके बारे में पढ़ना अति आवश्यक है। इनको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। साल में 365 दिन होते हैं, लीप वर्ष कौन सा होता है, सिक्कों को कितनी बार उछाला जाता है, कैसे स्थितियां बढ़ती हैं, ये आपको ध्यान पूर्वक मैंने बताया। इनको आप ध्यान से पढ़ना, आपके लिए आज इतना ही पर्याप्त है। इसके आगे अपन कल इसी समय आगे पढ़ेंगे प्रायिकता का टॉपिक। इसमें जो क्वेश्चन करवाए हैं वो क्वेश्चनों को आप ध्यान पूर्वक पढ़ना। अगर किसी भी प्रश्न में आपकी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी भी विद्यार्थी के कोई समस्या है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करे। विद्यार्थियों परीक्षा की दृष्टि से यह सबसे आसान प्रश्नावली है, इसमें से 4 नंबर का प्रश्न आता है और वो बहुत ही सरल प्रश्न आता है इस प्रकार का कि सिक्के को, पासे को, समंक, विषमंक, पासे को तीन बार उछाल, सिक्के को तीन बार उछाला जाता है या दो बार उछाला जाता है या एक बार उछाला जाता है, या फिर ताश की गड्डी में से
हुकम के पत्ते, पान के पत्ते, चीड़ी के पत्ते, ईंट के पत्ते आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, या एक इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, या बाद से आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से पर्सन एक एक नंबर का आता है और एक तीन नंबर का। इस प्रकार से बोर्ड में इस प्रश्नावली में से चार नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। जहां तक मैं सोचता हूं कि आप जरूर इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और कोई बात आपके समझ में नहीं आए तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। उम्मीद है कि आप मेरी बातों पर ध्यान देंगे और पढ़ेंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और मेरी आज्ञा का पालन करें। और इसके आगे अपन कल दोबारा आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।